अक्षय बम को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। यह फैसला अक्षय बम की गिरफ्तारी वाले मामले से जुड़ा हुआ है। दरअसल निचली कोर्ट द्वारा अक्षय बम को गिरफ्तार करने के आदेश पर अक्षय बम के वकील की तरफ से याचिका लगाई गई थी। अक्षय बम को इस केस में राहत दे दी जाए, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए। अकेले अक्षय बम नहीं, उनके पिता को लेकर भी यही याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए अक्षय बम और उनके पिता को राहत दे दी है, जमानत दे दी गई है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा, वकील बता रहे हैं। न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था, ना तो FIR के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। निचली अदालत ने याचिका लगाई थी जी, पहले नीचे के सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी। याचिका इस आधार पर निरस्त की गई थी कि उस दिनांक तक कोई ऐसा अप्रेंशन नहीं था, अक्षय कांति बम, अक्षय बम और कांति बम के अगेंस्ट में कोई भी अरेस्ट वारंट इशू नहीं था, परंतु जो अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख नियत की थी 10 तारीख 10 पाँच को हमारे द्वारा एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई गई कि आज वो बाहर है, इस कारण से छूट प्रदान की जाए, परंतु सेशन न्यायालय ने हमारी याचिका का आवेदन खारिज करके और अरेस्ट वारंट इशू किए थे। तो न्यायालय ने ये माना कि देयर इज अ अप्रेंशन ऑफ अरेस्ट इस स्टेज। अक्षय बम को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत अग्रिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दें, अक्षय बम को लेकर याचिकाकर्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद वाले मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, वो अपर्याप्त हैं। धारा 307 बढ़ाए जाने की भी बात पुराने केस को लेकर कही गई थी और इसी केस की सुनवाई में जब अक्षय बम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो सेशन कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया था। 10 तारीख मुकर्रर की गई थी जिसके पहले पुलिस को अक्षय बम को गिरफ्तार करना था। इसी मामले को लेकर अक्षय बम की वकील ऊपरी कोर्ट की शरण में गए थे जहां पर यह कहा गया था कि यह केस काफी पुराना है और इस केस में जो बातें कही गई हैं पीड़ित की तरफ से यह बातें तर्क सहित नहीं है। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता को राहत दी है और अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।